भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को ऐतिहासिक घटना बताते हुए दावा किया कि अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच विमान इंजन डील के बाद भारत जेट इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तेजस विमान में अब मेक इन इंडिया इंजन होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, हम भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। रक्षा सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की डील हो चुकी है, जिसे भारत में असेंबल किया जाएगा। इसका रखरखाव और मरम्मत कार्य भी भारत में ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अपनी खरीद के दौरान इसकी अधिग्रहण लागत की तुलना करेगा और जो भी बेस्ट प्राइस होगी वो डिसाइड की जाएगी। हम सभी स्थापित खरीद प्रक्रिया का पालन करेंगे, ऐसा भी इन्होंने स्पष्ट किया, फिर इसे खरीदेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है, जिसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को एक नए युग में शुरू किया जाएगा। अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीद की कीमत और अन्य शर्तों पर अटकल रिपोर्ट को खारिज करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन की अधिग्रहण लागत की तुलना अन्य देशों को दी जाने वाली जनरल एटॉमिक्स की सर्वोत्तम कीमत से करेगा। उन्होंने कहा कि स्थापित खरीद की प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिग्रहण किया जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया, जिसमें सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है। राजनाथ सिंह जी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब हम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है। हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं। आज हम टैंक, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहे हैं। रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जो 2014 से पहले महज 900 करोड़ रुपए था। निर्यात जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों को भी गिनाया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामले के विभाग की स्थापना शामिल है। इन्होंने कहा कि सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है, जो एक और क्रांतिकारी सुधार होगा। राजनाथ सिंह जी ने वैश्विक दुनिया में भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है और उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सैन्य से सैन्य जुड़ाव, सूचना साझाकरण भारत अमेरिका के बीच संबंधों की नई गाथा है।